तीनों पॉल की सरकार है इसको मंजूर नहीं। इसके पहले भी जब मेरा डीएनए ठीक हो गया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साष्टांग दंडवत हुए थे, एनडीए की सरकार थी, और उस समय भी आपने तारकिशोर प्रसाद जी को जाने से मना कर दिया था, प्रवेश निषेध कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज नीति आयोग की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल नहीं होंगे, जिसको लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जेडीयू पार्टी की ओर से सफाई पेश करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा बिहार के साथ भेदभाव किया है, बिहार कई मामलों में आगे है लेकिन उसे विकसित बनाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है जो केंद्र सरकार की ओर से कभी भी प्राप्त ही नहीं हुआ। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नीति आयोग जैसी संस्था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनाए, योजना आयोग को भंग करके, तो संविधान के तहत मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, तो राज्य के कोई माननीय मंत्री को अधिकृत किया जाए, ये दिल्ली के जो तथा कथित तीनों पॉल की सरकार है इसको मंजूर नहीं। इसके पहले भी जब मेरा डीएनए ठीक हो गया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साष्टांग दंडवत हुए थे, एनडीए की सरकार थी, और उस समय भी आपने तारकिशोर प्रसाद जी को जाने से मना कर दिया था, प्रवेश निषेध कर दिया था। ये कैसा नीति आयोग है जो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी के तहत अधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध करती है बैठक में। साथ ही साथ मेरा सवाल यह है कि ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कौन सा, कि विकसित राज्य और विकासशील राज्य में अंतर समझ में नहीं आता। विकास दर में हमारा राष्ट्रीय औसत लगातार कायम है, महिला सशक्तिकरण में हमने रोल मॉडल है, हमारी भूमिका को नकारा जाता है, बिजली के क्षेत्र में हमारी उपलब्धता का पॉइंट कम दिया जाता है, और जनसंख्या और मानक जो हमारा क्षेत्रफल है उसके अनुकूल जो केंद्र के द्वारा जो राशि दी जानी चाहिए तो लगातार आप सेंट्रल शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। और आपने तो हद कर दिया कि जब शिक्षा का अधिकार कायम है तो ऐसी स्थिति में आपने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया। आपने बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, दलितों के लिए छात्रावास योजना बंद कर दिया। आपको तो केवल पेंटिंग पर भरोसा है, चेहरा अपना पेंट करिए, 110 रुपये डीजल लीजिए और जयकारा करिए। तो ऐसे नीति आयोग में जिसमें राज्य के हित का प्रकटीकरण नहीं हो और प्रवेश निषेध किया जाए, तो ऐसे संस्थाओं का औचित्य क्या बचता है। केंद्र पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, सुना आपने। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी बिहार के साथ इंसाफ नहीं किया है, हमेशा भेदभाव करते रहती है, बिहार कई मामलों में आगे है लेकिन इसे और विकसित बनाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है जो केंद्र सरकार की ओर से कभी भी मिलती ही नहीं है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा भेदभाव करती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे, जिसको लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये दलील पेश की है और क्या कुछ कह रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।